हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोनू वालिया है और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया था और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एडजेक्टिव। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं मैं पढ़ाने से पहले कि मेरा मेन मोटिव जो है आपको वो एक ग्रामर का थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना है, इसलिए मैं थोड़े से बेसिक से पार्ट्स लेना दे रहा हूँ। इसमें मैंने आपको अभी तक नाउन पढ़ाया है, प्रोनाउन पढ़ाया है और वर्ब पढ़ाई है, एडवर्ब पढ़ाई है और आज जो हमारा होगा वो होगा एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, मैं इन टॉपिक्स के बारे में आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जब आपके पास सेंटेंस आएगी, जैसे ये सेंटेंस आपके पास अतुल इज इंटेलिजेंट एंड वाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा मेन मोटिव यही है आपको समझाने का कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस में क्या जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स खड़ा होकर के, इसमें नाउन बताओ क्या होता है, इसमें वर्ब बताओ क्या होती है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो ग्रामर के थोड़े से बेसिक से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, वो है एडजेक्टिव। विशेषण क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। इसमें कहा गया है कि एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि क्या होगा, इसमें किसी नाउन के बारे में बताएगा और प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि नाउन क्या है, कैसा है, प्रोनाउन कैसा है। तो इनकी डेफिनेशन यानी कि इनकी क्वालिटी के बारे में बताएगा या इनके विशेषता के बारे में बताएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरह समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में। अतुल इज इंटेलिजेंट एंड वाइज, अतुल एक बुद्धिमान है और इंटेलिजेंट समझदार है और बुद्धिमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अतुल जो है वो एक क्या है, समझदार है और बुद्धिमान है। तो किसके बारे में बताया गया स्टूडेंट्स, अतुल के बारे में। अतुल के बारे में क्या कहा गया है, उसकी विशेषता के बारे में बताया गया कि अतुल किस प्रकार का लड़का है, वो कैसा है, तो वो समझदार भी है और बुद्धिमान भी है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर कहीं पे आपको इस प्रकार के वर्ड्स दिख जाए जो किसी की विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, तो उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। द ओल्ड वुमैन डाइड, एक बूढ़ी औरत मर गई। तो इसमें बूढ़ी किसकी विशेषता बता रहा है, वुमैन की यानी कि औरत की। औरत कैसी है, बूढ़ी है, तो जो उसकी विशेषता बताएंगे उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें औरत के बारे में बताया गया है कि औरत किस प्रकार की है, वह बूढ़ी है, जवान है या लड़की है, कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसके बारे में बताया गया, किसी नाउन के बारे में। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहेंगे स्टूडेंट्स एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आगे चलते हैं इसके काइंड्स की ओर और काइंड्स समझते हैं, इसके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के एडजेक्टिव के 10 काइंड्स है और प्रत्येक काइंड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो काइंड्स आता है स्टूडेंट्स, वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें स्टूडेंट्स क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि किसी एडजेक्टिव के गुण, जो गुण होंगे उसके बारे में बताएंगे। और सेकंड आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के बारे में बताया गया, जैसे कितने हैं, कितने किलोग्राम हैं, मतलब समझिए ना स्टूडेंट्स,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें नंबर्स की बात होगी। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव, इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। आगे आता है डेमोन्स्ट्रेटिव स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव से आपको शायद कुछ पता लग जाए कि मैंने आपको पिछले क्लास में जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन के काइंड्स बताए थे। और काइंड्स में आपके जो काइंड्स आए थे वो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, तो इस प्रकार के काइंड्स आए थे। बट इसमें भी एडजेक्टिव में भी इस प्रकार के आपको काइंड्स देखने को मिलेंगे जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट आता है पजेसिव। स्टूडेंट्स पजेसिव के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपके पास एक प्रोनाउन में प्रोनाउन की क्लास में छोटी सी टेबल बनवाई थी, तो उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद पजेसिव लिखा था। तो ये वही पजेसिव है स्टूडेंट्स। तो इसमें एडजेक्टिव में भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और नेक्स्ट आता है एम्फसाइजिंग, एम्फसाइजिंग भी मैंने आपको बताया था। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में यानी कि एडजेक्टिव ऑफ काइंड्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स इनको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं। तो हम एग्जांपल के रूप में इन्हें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में, उनके उनको हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे कि वो किस प्रकार के सेंटेंस उसमें प्रकट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो एग्जांपल आता है वो है माय फादर लिव्ड इन स्मॉल विलेज, मेरे पिताजी एक छोटे से गांव में रहते हैं, मेरे पिताजी एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो किसकी विशेषता बता रहा है, विलेज की, क्या है वो, स्मॉल है यानी कि छोटा सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो छोटा वर्ड इसमें यूज हुआ है उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी, यानी किसकी क्वालिटी बता रहा है, विलेज की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जिसमें क्वालिटी की बात करेंगे। ठीक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम। आई वर्कड द होल डे, मैंने पूरे दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया, पूरे दिन कार्य किया, न तो आधा दिन कार्य किया, ना ही एक घंटा कार्य किया, मैंने सिर्फ पूरे दिन कार्य किया। तो किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, पूरे दिन की बात कर रहे हैं। तो होल इसमें क्या वर्ड है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास ए ईयर हैज 12 मंथ्स, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं स्टूडेंट्स, 12 यानी कि 12, कितने 12। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, नंबर की बात कर रहे हैं। तो 12 क्या है इसमें, नंबर है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। द चाइनीज लैंग्वेज, किसकी बात कर रही है, चाइनीज लैंग्वेज की, यानी कि चीन की भाषा की, हमने सभी भाषा की बात नहीं की, सिर्फ एक चाइनीज भाषा की बात की है कि चाइनीज एक भाषा है। ठीक है तो इसमें हमने प्रॉपर कर दिया, यानी कि किसके बारे में बता रहे हैं, सिर्फ चाइनीज भाषा के बारे में। लैंग्वेज में तो काफ़ी सारी भाषा आ जाएगी, हिंदी भी आ जाएगी, संस्कृत भी आ जाएगी और इंग्लिश भी आ जाएगी, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइनीज की बात कर रहे हैं। तो किसकी बात हो जाएगी, प्रॉपर की, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। दैट बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है। तो किसकी बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव की, यानी कि जो इस प्रकार के वर्ड्स होंगे, दिस दिस दैट दिस दोस, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ईच टेबल इज न्यू, प्रत्येक टेबल, प्रत्येक जो टेबल है वो क्या है, न्यू है, यानी कि नई है, प्रत्येक टेबल क्या है, नई है। ठीक है तो किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की, कि प्रत्येक टेबल, मैंने ये नहीं कहा कि एक टेबल नहीं है, मैंने कहा सारे के सारे जो जितने भी टेबल हैं, प्रत्येक टेबल क्या है, नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि प्रत्येक, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनको। ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेवन, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है,
तो किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आया है? हुज़। अब इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में बताया था कि हुज़, हू, व्हाई, हाउ, ये किस सब क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार के वर्ड्स को क्या कहेंगे हम? इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहेंगे। जहाँ पे भी आपको हुज़, हू, हाउ, व्हाई, व्हाट ये सब दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। माई कंट्री इज ग्रेट, मेरा जो देश है ना वो बहुत महान है, मेरा देश बहुत महान है। तो इसमें माई यूज हुआ है, माई, माई मीन्स क्या होता है, मेरा। तो इस प्रकार के वर्ड्स को क्या कहेंगे, पजेसिव। जब मैंने आपको प्रोनाउन में एक टेबल लिखवाई थी स्टूडेंट्स, तो मैंने इसमें लिखवाई थी आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव। तो उसमें सब्जेक्ट क्या था, कर्ता, और ऑब्जेक्ट क्या था, कर्म, कर्ता, कर्म, और पजेसिव के मैंने आपको बताया था कि अपने के लिए, जिसमें हम अधिकार प्रकट करते हैं, यानी कि किसी चीज पे अधिकार प्रकट करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, माई कंट्री इज ग्रेट, मेरा जो देश है वो बहुत महान है। तो जो इसमें माई वर्ड यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 9, आई सो यू विद माई ओन आईज, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। जो इसमें ऑन लगा है स्टूडेंट्स, उसमें किसकी बात हुई, एम्फेसाइज की, यानी कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था। जोर डाल रहा हूँ किसी बात में, मैं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसमें मैं जोर डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से, मैं वैसे नहीं कह रहा तुम्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें किसकी बात होगी कि बहुत जोर डालने वाली बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जो हमारा टेंथ आता है वो आता है व्हाट अ फूल यू आर। तो इस प्रकार के वर्ड्स को क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी हम स्टूडेंट्स इससे भी पहचान सकते हैं कि जो हमारे वर्ड होते हैं हुर्रा और व्हाट, तो इनसे इनसे इनके बाद में तुरंत क्या लगता है स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि लास्ट में ऐसे लग जाता है, बट इसमें जो वर्ड यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या मतलब है इसका कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जब हम किसी डब्ल्यू एच, जैसे वैसे तो ये डब्ल्यू एच फैमिली में आता है, व्हाट, व्हाई, हाउ, जो मैंने आपको अभी ये बताया था, बट इसमें हम यहाँ पे किस रूप में यूज करते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आई आपको जो मैंने अभी बताया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। जितने भी एडजेक्टिव के काइंड्स थे वो हमने एग्जांपल के रूप में समझे, और अब शायद आपको पता लग गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसके बारे में बात करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, इस प्रकार के वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और जितने भी एडजेक्टिव के काइंड्स थे, चाहे वो क्वालिटी के बारे में बताया हो, चाहे क्वांटिटी के, चाहे नंबर्स के बारे में, हमने एग्जांपल ग्रुप में हमने समझा, और आई होप सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। सो आगे जो हमारी आने वाली क्लासेज होंगी स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी अभी तक हमारे रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमने नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लिया, वर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया, आज एडजेक्टिव हो गया। आगे जो हमारा बच रहे हैं, फिलहाल हमने 5 कर लिए हैं, और जितने भी थे हमारे 8 के 8 वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे आने वाली क्लासेज होंगी। तो मैं आशा करूंगा कि अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो ना भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।